Hello friends and welcome back to my channel Good Eats with Anubhama. Happy Navratri to all my YouTube family. तो आज की जो रेसिपी हम बनाने वाले हैं झटपट से ये फलहारी थाली जिसमें मैंने इतनी सारी रेसिपीज बनाई है. बट अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो हम बनाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी. तो वही साबुदाने जो बचे हैं इसमें अब मैं डाल रही हूँ आलू. तो साबुदाने अगर आप
ये देखिए, ये भी अच्छी तरीके से दोनों साइड से सिक गए। ये देखिए, बिल्कुल पूड़ी हमारे यहाँ पे रेडी हो गई है। और इसे आप किसी चीज़ पे रखिए मत, डायरेक्ट तेल गरम कीजिए और इसमें हम हमारी पूड़ी डालते जाएंगे। फटाफट से बनती जाएगी ये पूड़ी, या फिर आप 4-5 शीट ले लीजिए, उसमें पूड़ी बना बना के रखते जाइए। तो यहाँ पे हाई फ्लेम रखिए, हाई फ्लेम पे जो हमारी पूड़ी है ना अच्छी तरीके से फूल जाएगी और सिक भी जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये पूड़ी बनने में।
तो लास्ट में इसमें डालेंगे हम पानी। सिंगाड़े के आटे में आप पानी डालिए, ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी कई लोग बर्फी भी बना के रखते हैं। अगर आप हलवा बना रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी कम डाल रही हूँ इसमें।